press the bell icon for all updates. जी हाँ, सेंसिटिव पता नहीं क्यों है हमारे देश में, जबकि नहीं होना चाहिए सेंसिटिव। गर्व की बात होनी चाहिए कि हम लोग देश की बेटियों के लिए वॉक कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसको सेंसिटिव से जोड़ा जाता है कि अरे नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटी उसे अच्छा मानो, ऐसा करो, वैसा वैसा, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जबकि इस देश की बेटियाँ हर चीज़ में आगे हैं, मेडल्स लेके आती हैं हमारे लिए, बड़े बड़े काम करती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बेटियों के साथ हूँ, और मेरा नारा यही है कि बी विद बेटी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अच्छा है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बेटियों के साथ, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ बदले और एक मुहिम शुरू की गई है बी विद बेटी। और अगर हम इसे, हम ऑब्वियसली टेलीविजन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा ग्लैमर पोर्शन आ जाता है, सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि कॉज क्या है। तो रैंप वॉक है, इंजॉय कर रही हूँ, बट खुशी है कि मैं इस कॉज से जुड़ी हूँ। आजकल नहीं चलना चाहिए ना ये केस, नहीं लॉ चेंज, क्या लॉ तो चेंज हो ही रहा है, आप देखिए सरकार बदलती है, सरकार आती है जी, क्राइम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, इंसान की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनेंगे हमारे न्यायालय में, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मेरा यही कहना है कि जब तक रेपिस्ट को, बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, और मेरे हिसाब से एक बार अगर प्रूव हो जाए कि किसी ने बलात्कार किया है, उसकी सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए। दे शुड बी हैंग टिल डेथ, इसकी डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए। जब तक हमारे सख्त कानून नहीं होंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि बलात्कार करने के बाद भी इनको पता होता है कि हमें बेल मिल जाएगी, हम लोग फ्रीली घूमेंगे। ईव टीजिंग जैसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के भी कोई कायदे कानून है नहीं। जब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, तब तक हमारा देश नहीं बदल सकता। सिर्फ डिजिटल करने से हमारे देश में सुधार या बदलाव नहीं आएगा, सबसे पहले कानून सही करने पड़ेंगे। मेरा यही टेक है, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से बी विद बेटी। मैं ऑथेंटिक इंडियन वेडिंग वेयर पहना हुआ है मैंने, और दूल्हे ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहनते हैं, और मैं बिल्कुल दूल्हे जैसा लग रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी दूल्हा हो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने और मेरे जैसा हैंडसम दिखे। ऑल द ग्रूम्स आउट देयर, जितने भी दूल्हे हैं, प्लीज़ ऐसे ही कपड़े पहनिए, बहुत स्मार्ट लगेंगे आप लोग सच में। मैंने एकता और पार्थ के क्रिएशन का ये कॉस्ट्यूम पहना है, इसे मुगलई गाउन कहते हैं। इस पर काफ़ी हैवी वर्क है, आप देखिए ये बारीक काम किया गया है गाउन के ऊपर, और इसके साथ मैंने कुंदन की ज्वेलरी टीम अप की है। ये बहुत ही खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, एक ट्रेडिशनल कपड़े में और भी अच्छा फील होता है ना, दैट्स व्हाट। थैंक यू सो मच।